सिस्टम कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट। जब भी हम अपने लैपटॉप या पीसी में अडोब प्रीमियर प्रो इंस्टॉल करते हैं तो कुछ इस टाइप का एरर हमें देखने को मिलता है। इसको दूर करने के लिए हमें विंडो और आर को एक साथ प्रेस करना होगा, तो रन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको सर्च करना होगा DXDIAG। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे डायरेक्ट एक्स डायग्नोस्टिक टूल का कुछ यहाँ पे डेटा दे दिया है और यहाँ पे आपको सिस्टम इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको जो इंटरनल ग्राफिक्स कार्ड है वो दे दिया, प्लस जो भी इसका प्रॉपर्टीज़ होती है इस कंप्यूटर की वो भी यहाँ पे आपके सामने देखने को मिल रहा है। और डिस्प्ले टू में आपको मिल जाएगा कौन सा ग्राफिक्स आप यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे इस लैपटॉप में ग्राफिक्स हैं GeForce GTX 150 Ti। इसको आप गूगल पे जाके सर्च करना होगा NVIDIA ड्राइवर डाउनलोड, और फर्स्ट ऑप्शन को आपको यहाँ पे डाउनलोड ड्राइवर्स पे क्लिक कर लेने हैं। कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो यहाँ पे आपको भरना होगा। जहाँ प्रोडक्ट नेम में आप GeForce डालोगे, जो भी ड्राइवर है आपके पास, मेरे पास GeForce है, प्लस प्रोडक्ट सीरीज़ में आप 10 सीरीज क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट में आप 150 Ti, और यहाँ पे विंडो टाइप में हमें स्टूडियो ड्राइवर SD पे क्लिक करना है और सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करने हैं। अगेन डाउनलोड पे आपको क्लिक करने होंगे, थोड़ा सा वेट करना होगा। यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है और इसको मैं ओपन करके यहाँ से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करके मैं ओके कर लेता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना होगा। यहाँ पे मैं इसे फॉरवर्ड कर दिया हूँ। यहाँ पे ये जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे आपको NVIDIA ग्राफिक्स ड्राइवर एंड GeForce एक्सपीरियंस पे क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट कर लेने होंगे। थोड़ा सा वक्त इसमें लगेगा और यहाँ पे जो है कम्प्लीटली स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आप रीस्टार्ट कर सकते हो या फिर रीस्टार्ट लेटर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो ड्राइवर है वो ग्राफिक्स ड्राइवर वो इंस्टॉल हो गया है इसमें, जो लेटेस्ट वर्जन है। मैं इसको पहले कट कर दे रहा हूँ क्योंकि पहले से ओपन था ये Adobe Premiere Pro। अब मैं वापस सर्च करता हूँ और ओपन करता हूँ Adobe Premiere Pro 2020। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अब मुझे किसी भी टाइप का कोई एरर देखने को नहीं मिलता है। अब आप इसको एंजॉय कर सकते हो।